सियासत जब बदलती है तो लोगों का सरोकार भी बदलता है, और सियासत जब जब भरोसा दिलाती है कि वो उसके हर कदम पर साथ है तो ये भरोसा यकीन में बदल जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में आते ही कुछ ऐसा ही यकीन लोगों को हुआ, लेकिन इस यकीन को कुछ सरकारी मुलाजिम ही पलीता लगा रहे हैं। शासन की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी ना हो, लेकिन सरकारी फरमान की अनदेखी जिला अस्पताल करते नजर आ रहा है। योगी सरकार ने आम जनता के स्वास्थ्य के लिए सरकार में आते ही ये महत्वपूर्ण ऐलान किया था कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी ना होने पाए, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा को अस्पताल के आला अधिकारी ही अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं। कतारों में खड़े दवा लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं और हाथ लगती है मायूसी। जिला अस्पताल के डॉक्टर धड़ल्ले से बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर दवाइयां हैं ही नहीं, और हैं भी तो सिर्फ नाम मात्र की। ऐसे में परेशान मरीज मजबूरी से बाहर इन दवाओं को लेता है, जिसके लिए उसे मोटी रकम चुकानी पड़ती है। इस हालात और हकीकत को जब हमने परखना चाहा तो हमें सच्चाई का पता चला। सिटी वन चैनल के संवाददाता से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, दवाएं पूरी तरह से हैं, और बाहर से कोई डॉक्टर यदि दवा लिख रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जरा सुनिए पूरी बात डॉक्टर साहब ने क्या कही। नहीं, दवाएं जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट शासन के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई है उसमें से अधिकतम दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ दवाएं नहीं हैं, उनका आर्डर प्लेस किया जा चुका है, निकट भविष्य में जब वो दवाएं आ जाएंगी तो पूरा वितरण किया जाएगा। फिर भी जो आवश्यक दवाएं हैं काम भर की वो हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, और उसी को लिखने के लिए डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है। अगर जैसा आप संज्ञान में डाल रहे हैं, अगर कोई ऐसा है जो बाहर की दवा लिख रहा है तो ये शासन की मंशा के विपरीत कार्य कर रहा है। अगर मेरे संज्ञान में आता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब तो हमें भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन यकीन कहीं टिकता नहीं। जब हमने दवा की कमी और दवाओं के बाहर से लिखे जाने की बात कुछ मरीजों से की तो हमें सच्चाई का पता चला। सिटी वन चैनल के संवाददाता से जब कुछ मरीजों ने इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, और अगर वो हैं भी तो सिर्फ नाम मात्र की। आइए जरा अब इन मरीजों की बातें आपको सुनवाते हैं। ये बाहर दवाई मिल रही है, पर्ची लेकर के बाहर से जाइए, हम बाहर के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पे दवा नहीं है? नहीं, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है ये बाहर की दवाई लिख रखे हैं। हाँ, वही तो पर्ची दिखाया हूँ मैंने। कौन डॉक्टर है? अभी नहीं पता, हमें इसके बारे में नहीं पता कौन डॉक्टर है, लेकिन घर वाले तो हमारे यही दवाई के लिए भेजे हैं। अब मैंने इनके पास आया तो ये कह रहे हैं कि दवाई डॉक्टर साहब बाहर के लिख रखे हैं। मैं घाव लगा था। क्या कह रहे हैं, दवा बाहर मिलेगी क्या? बाहर देने के लिए कह रहे हैं, बाहर से लेने के लिए। कुछ दिए हैं? हाँ, क्या ये दिए हैं? बाकी दवा क्या कह रहे हैं? बाहर लेने के लिए दो थे। कहाँ से? बाहर में। आप कहाँ से आए? हम नौसढ़ से हैं। शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं, ऐसे में भरोसा जगे भी तो कैसे, जब उसके ही हुक्मरान सरकारी आदेशों का नाफरमानी लगातार कर रहे हों। जैसा कि अभी आपने साफ देखा कि यहाँ के मरीजों को बाहर भेजा जा रहा है दवा लेने के लिए, वो मरीज जो सियासत से उम्मीद जगाए बैठे हैं कि उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर ख्याल रखेगी सियासत, और सियासत रखती भी है। सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम हैं उनका आदेश है कि जेनरिक दवाओं की और कोई भी दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कमी दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स बाहर की दवाएँ लिख रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, बाहर की दवाएँ पैसे उनके काफ़ी लग रहे हैं, और यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दवाओं की उपलब्धता पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली गई है। सारा का सारा हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि सच्चाई क्या है। हमारा काम था आपके सामने सच्चाई को लाना। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सुनय पांडे, सिटी वन चैनल।